गांदरबल जिले के सईपोरा ऊपरी वेल और आसपास के अन्य क्षेत्रों के निवासियों ने सड़कों की जीर्ण शीर्ण स्थिति के लिए बिजली विकास निगम का विरोध किया है। 3 साल बीतने के बावजूद मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गुप्तलबाग रोड पर पुलिस चौपर पर काम अभी पूरा तक नहीं हुआ है। स्थानीय लोग पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का काम बिजली विकास निगम द्वारा 3 साल पहले चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए लिया गया था। ये सड़क 93 मेगावाट की गांदरबल बिजली परियोजना का हिस्सा है। सड़क बिजली परियोजना के लिए प्रस्तावित पानी की सुरंग के लिए है और अधिकारी हमारे साथ लुकाछिपी खेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि ठेकेदार काम के साथ धीमी गति से कार्य कर रहे हैं। काम के लिए खोदी गई सड़कें खुली छोड़ दी जाती हैं और निवासियों द्वारा बार बार अपील और शिकायतों के बावजूद निगम अधिकारियों ने सुरक्षा और सुविधा के लिए सड़कों को कवर करने के लिए कदम नहीं उठाया है। जम्मू कश्मीर से न्यूज प्लस के लिए फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। प्रॉब्लम यह है कि सपरगुंड से पुलिस चौकी तक हैडर मैदान तक रोड बड़ा खस्ता हाल है। तो जब परसों बारिश पड़ा यहाँ ऐसा हाल था कि गाड़ी भी नहीं चल सकती थी इस रोड पे। तो हमें बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है इस रोड से। अब डीसी साहब ने परसों कहा कि हमने गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में सब रोड कंप्लीट किए, मैगनम डाला हुआ है। तो हमारा ये रोड जो है गुटलीबाग से सपरगुंड से लेके हैडर मैदान तक, तो इसका ये हाल है। आप खुद देख सकते हो कि डीसी साहब कह रहे हैं हर जगह हमने डाला हुआ है मैगनम, यहाँ क्यों नहीं डाला है। जन विकास आयुक्त गांदरबल शफकत इकबाल ने आज मिनी सचिवालय में जन अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिचालन तैयारियों पर चर्चा करने के लिए जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता के लिए जन अभियान के सुचारू रूप संचालन के तौर तरीकों पर चर्चा करते हुए DDC ने कहा कि अभियान 10 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके दौरान जिले के प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस महीने के प्रत्येक बुधवार को ब्लॉक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जहां जिले के सभी 7 ब्लॉकों में अधिकारी और अधिकारी जनता की शिकायतों और मांगों को सुनने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये निर्णय लिया गया है कि संबंधित BDO और तहसीलदार नोडल अधिकारी होंगे, जो ब्लॉक दिवस में हर लाइन विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। DDC ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ब्लॉक दिवस पर सभी विभागीय अधिकारियों को सभी सहायक कर्मचारियों के साथ ब्लॉक में अधिसूचित स्थानों पर तत्काल और सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों के निपटान और शिकायतों के निस्तारण के लिए जगह उपलब्ध होगी। अधिकारियों को जन अभियान गतिविधियों का संचालन करते हुए COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए SOP के कार्यान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त फारूक अहमद बाबा, SSP गांदरबल, SDM कगन, SER, ACD, CPO, CMO, CEO के अलावा अन्य जिला और क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहे। न्यूज प्लस के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।